नाज़रीन बे तरफ़ आके बुधाईंदा हलूं त सांगड़ जी पुलिस लाइन में जश्न आज़ादी बाबति तकरीब कोठाई वई इन हवाले सां असां वीडियो लिंक ते मौजूद आहे आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर एडी कुंभर जी एडी अज जश्न आज़ादी के ढी पुलिस लाइन सांगड़ में जो है सो मुख्य तकरीब रखी वही जैमें डिप्टी कमिश्नर सांगड़ इमरान उल हसन ख्वाजा एसएसपी सांगड़ उस्मान गनी सिद्दीक उन खां सवा जो सिविल सोसाइटी शहर मुख्तलिफ़ खातन के आफिसर वे अंग में शिरकत कई मुख्य तकरीब में 8:58 मिनट है सो कौमी परचम फड़काय वो उन बाद सलामी दिनी वही सलामी का बाद मुख्तलिफ़ मुकर जैमें डिप्टी कमिश्नर सांगड़ एसएसपी शहर में मुख्तलिफ़ आफिसर जो है जश्न आज़ादी के हवाले से रोशनी विधे आज़ादी की नहमत बयान कई उन हवाले से कुछ आफिसर शहरी असा मौजूद हैं अचो तो उन्होंने गाल बोल क्यों जश्न आज़ादी के हवाले से उन्होंने कड़ा विचार असें पाकिस्तानी थियण से फ़ख्र आ पूरे मुल्क पूरी दुनिया में जाडे वनू आइडेंटिटी पाकिस्तान आ इन कर मुल्क की तरक्की लो अस पुजे वो करण घुर्ज आज़ादी से चल रहे वरना के वरना आज हम अंग्रेजियों की कैद में होते अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारा पाकिस्तान पाकिस्तान को आज़ाद ना कराते पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जो जोश जज्बो असानी पाकिस्तानी कम्युनिटी है पूरे पाकिस्तान में जैसे जोश जज्बे से ढी मल्हे पे वे 14 डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में असा प्रोग्राम सेलिब्रेट क्यों पाड़ी खुशी थी रही है 73 वो जो अस जश्न मल्हे पाँच मुल्क जो बहुत खुशी है इधर वे सब लोग खुश हैं इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होएगा पाकिस्तान 14 अगस्त हर साल की तरह इस तरह अभी पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है और इस 14 अगस्त की अहमियत इस लिहाज से भी है कि अभी कौम ने मिलकर डट कर मुकाबला किया कोरोना का और उसको भी तकरीबन शिकस्त दी है और इसके अलावा जो है पाकिस्तान का नक्शा भी चेंज हुआ है और ये इस पे इस 14 अगस्त पे हम ये भी अज़म का इजहार करते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ क़यामत के दिन तक खड़े हैं। बे पासे जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में नंढा बार जैकें से कौमी लिबास में आया उन मुख्तलिफ़ ड्रेस जैमें पाक फौज सिंध पुलिस की नंढन बार ड्रेस पिण पेरल हुई उनमें जोश खुरोश दिसण में अची रो उनको चवण है हर साल जश्न आज़ादी जो ढी है असं ईद के ढी जो जोश जज्बे से मल्हाइंदा।